Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the sixth question. And the question is, why is sun called as ultimate source of energy? Explain. Sun ko kyun kaha jata hai ultimate source of energy? Aapko explain kar raha hai. Since student, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम देखते हैं वो सारी क्या है, सन से ड्राइव की गई है, सन से ही आती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल जैसा आप जानते हैं कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल है। अब ये भी क्या होते हैं, सन से आए। किस तरह से आए सन? हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल कहाँ से मिलते हैं, जमीन के अंदर से। अब जमीन के अंदर से सन कहाँ से आया, सनरेज कहाँ से जाएंगी जो फॉसिल फ्यूल बन जाए। स्टूडेंट मिलियंस ऑफ ईयर एगो लॉन्ग बैक अगर हम देखें, एनिमल क्रश्ड अंडर सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ दिस इज ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे वो दब गए थे एंड देन कन्वर्टेड इंटू फॉसिल फ्यूल FF फॉसिल, और फिर वो कन्वर्ट हुए फॉसिल फ्यूल के अंदर। हम जानते हैं कि एनिमल रिमेन्स ही है जो आज हमें फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये क्या हो गए, ये एनिमल्स है। अब जब ये अपनी लाइफ टाइम में ये एनिमल क्या करते थे, ये कहाँ से एनर्जी को ड्राइव करते थे, ये जो है सन से ही लेते थे। जो भी हार्बीवोरस कार्निवोरस कोई भी एनिमल था, हम जानते हैं कि वो फूड लेते थे, और वो फूड फाइनली कहाँ से आता है, सन से ही आता है। तो सिंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, और वो सन से ही एनर्जी लेते थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज जो फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो भी सन से ही आया है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की बात करें वो तो विंड से आती है, बट कहां से? सीधे, सिंस विंड इज अ मोशन ऑफ एयर, विंड नथिंग बट मूविंग एयर, यानी मोशन ऑफ एयर को ही हम कहते हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही एयर क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है एयर मूव करती है, जिसे हम विंड कहते हैं। और ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट कैसे होते हैं, सन की वजह से। जब सन ज्यादा, जहां पर क्या होता है, सनरेज ज्यादा होती है यानी एनर्जी ज्यादा होती है, वहां पर लो प्रेशर हो जाता है। जहां पर एनर्जी कम होती है वहां पर हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर जो है फ्लो करती है, मूव करती है, जिसे हम विंड कहते हैं। और जब विंड चलेगी तो उसे हार्नेस करने के लिए विंड मिल्स को हम यूज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ सन एनर्जी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर यानी पानी से जो हम पावर लेते हैं वो किस तरह से सन से आती है। सिंस सन कॉजेज एवोपरेशन विच लीड्स टू रेन एंड रेन वाटर इज स्टोर्ड एट हाइट। और हियर हम जानते हैं कि एवोपरेशन जो होती है वो सन से ही होती है, और जब एवोपरेशन से फाइनली रेन होती है, और ये रेन जो होती है हिली एरियाज में जब होती है वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब वो पानी हिली एरिया से यानी ऊंची हाइट से ऊंची जगहों से नीचे की तरफ फ्लो करता है, हम वहां से हाइड्रो पावर प्लांट से उसे हार्नेस करते हैं। तो फ्लोइंग फ्रॉम हाइट इट इज यूज टू हार्नेस एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी, सिंस मैकेनिकल एनर्जी का एक बेस्ट एग्जांपल हमारी अपनी मस्कुलर एनर्जी, वो कहां से सन से ड्राइव होती है, सिंस वी टेक फूड व्हिच गिव्स अस एनर्जी। हम खाना खाते हैं जो हमें एनर्जी देता है, एंड फूड कम्स फ्रॉम द सन। और फूड कहां से मिलता है, फाइनली जितनी भी सोर्सेज हैं वो सन से ही ड्राइव करते हैं। सो वी कैन कंक्लूड, अब फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। के सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी सारी एनर्जी जितनी भी अर्थ पर है वो सन से ही ड्राइव की गई है।